What matters the most? भारत matters. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत matters के पहले वीडियो में. क्या है भारत matters एंड why भारत matters? इस सवाल के जवाब को ढूंढने का सफर ही भारत matters का ये YouTube चैनल है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक लाइन में भारत matters के विजन को क्लियर करो, तो मैं कहूंगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को एक भारत सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से जोड़ने का काम ये YouTube चैनल करेगा, ये इनिशिएटिव करेगा. कब और कैसे, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा. पर इस ब्रिज की नीड को और इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम भारत को समझें, हम भारत की कहानी को समझें. और इसी कहानी को समझने के लिए मैं आपको एक सफर पे लेकर चलना चाहता हूं. वही सफर जो आजादी की खुशी और बंटवारे के दर्द के बीच 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था. वो सफर जिसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस फेमस स्पीच के साथ हुई थी, जहां उन्होंने कहा था, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन आजादी की सांस लेते भारत को लेकर सभी की सोच पंडित नेहरू जैसी नहीं थी, बल्कि दुनिया में ऐसे कई पॉलिटिकल थिंकर्स और दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत की परिकल्पना एक ख्वाब मात्र है, क्योंकि भारत जैसे विविधता से भरे देश को एक सूत्र में पिरोना मुमकिन नहीं है. ऐसे ही एक व्यक्ति थे इंडियन आर्मी के लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल क्लॉड ऑचिनलेक, जिन्होंने कहा था कि नो वन कैन मेक अ नेशन आउट ऑफ अ कॉन्टिनेंट ऑफ मैनी नेशंस. लेकिन आज इस तरह की सोच रखने वाले तमाम लोगों को गलत साबित करते हुए न सिर्फ भारत ने खुद को एक सूत्र में पिरोया है, बल्कि ब्रिटेन की कॉलोनी रहा भारत आज ब्रिटेन से भी आगे है. वो देश और उसकी जनता जिसने मिलकर सारी धारणाओं के उलट एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जिसकी आज से 75 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत का ये लंबा सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा होगा. तो चलिए आज हम एक रिवाइंड टूर पर चलते हैं और संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत ने बीते 75 सालों का अपना सफर कैसे तय किया. 15th of August 1947 को भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आने वाला समय उसके लिए अनेक चुनौतियों से भरा होने वाला था. यूनाइटेड इंडिया का विभाजन करके बनाए गए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान केवल जमीन के टुकड़ों के तौर पर नहीं बटे, बल्कि करोड़ों लोगों के घरों और परिवारों के भी कई टुकड़े हो गए. साथ ही विभाजन से पहले धार्मिक उन्माद और राइट्स में लाखों लोगों की जान चली गई. ऐसे में जिस तरह धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, उसे देखकर ये डर था कि कहीं ये आने वाले समय में देश के फर्दर डिसोसिएशन का कारण न बन जाए. साथ ही जिस तरह ब्रिटिश सरकार इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का सो कॉल्ड तोहफा देकर आनन फानन में देश छोड़कर भागी थी, उसकी वजह से 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में बटे हमारे देश को संगठित करना अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क था. ऐसे में जिम्मेदारी उठाई भारत के प्रथम होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वो खुद सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स वीपी मेनन के साथ मिलकर इस काम में जुट गए. 1947 का साल खत्म होते होते जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और कुछ छोटी रियासतों को छोड़कर लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल हो चुके थे. लेकिन तभी अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर के रूप में छदम युद्ध यानी सूडो वॉर छेड़ दिया गया. पाकिस्तान की साजिश थी कि काबिलाई लड़ाकों जिन्हें लश्कर कहा जाता है, उनकी आड़ में जम्मू कश्मीर को बंदूक की नोक पर पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए. लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के आग्रह पर भारतीय सेना ने मौके पर इंटरवीन करके पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी और जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को दोबारा जीत लिया. हालांकि भारत चाहता तो उसी समय पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर धोखे से कब्जाए हुए कश्मीर के पूरे हिस्से को छुड़ा सकता था, लेकिन इस मामले में यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन का सामना करते हुए 1st of January 1949 को घोषित किए गए सीज फायर को भारत ने मान लिया. युद्ध की कड़वाहट से आगे बढ़कर 26th of November 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, जिसे 1930 के कांग्रेस सेशन के पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन से कंसाइड करते हुए 26th of January 1950 को इन्फोर्स कर दिया गया. इसी के साथ भारत सही मायनों में एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनकर उभरा. वहीं दूसरी ओर भारत ने शुरू से ही अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी, जिसके चलते ही 1949 में भारत और भूटान के बीच ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस और फ्रेंडशिप और 1950 में भारत और नेपाल के बीच ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली गई थी.
मार्च 1951 में पहली बार भारत ने दिल्ली में एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें 11 नेशंस ने भाग लिया। लेकिन एक न्यूली इमर्जिंग नेशन के लिए सिर्फ अच्छी शुरुआत ही काफी नहीं थी, बल्कि इसकी ग्रोथ को प्लान करना भी बहुत जरूरी था। वहीं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंडिया के नेशन बिल्डर्स और खासतौर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सोशलिज्म की फिलॉसफी की ओर इंक्लाइंड थे। ऐसे में यूएसएसआर के प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल की तरह ही भारत में भी अप्रैल 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसके अंतर्गत भारत की आने वाली इकोनॉमिक जर्नी के माइलस्टोन्स को तय करने की जिम्मेदारी खुद सरकार ने उठाई, जिसे हर 5 साल में 5 ईयर प्लान्स की मदद से निभाया जाना था। इन प्लान्स को बनाने के लिए सरकार द्वारा मार्च 1950 में ही प्लानिंग कमीशन को स्थापित किया जा चुका था। वहीं न्यूली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 25th ऑफ अक्टूबर 1951 से लेकर 21st ऑफ फरवरी 1952 के बीच इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ पंडित नेहरू ने देश की कमान अपने हाथ में ली। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका इसलिए भी था क्योंकि जहां एक ओर यूएसए में इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की व्यवस्था लागू करने में 150 साल का समय लगा था, वहीं भारत में ये राइट फर्स्ट जनरल इलेक्शन के साथ ही इंश्योर कर दिया गया। इसी बीच प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट की मुख्य भूमिका को समझते हुए देश में मास स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया गया, जिस कड़ी में 1951 में इंडियन रेलवेज, 1953 में एयर इंडिया और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। साथ ही जनवरी 1954 में ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के रूप में स्टील सेक्टर में भी PSU को एस्टैब्लिश कर दिया गया। आज हम इसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। लेकिन इस सब के बीच ही भारत में लिंगुअल बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मांग के चलते अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। यह आवाज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे लिंगुअल स्टेट्स को बनाए जाने को लेकर सबसे ज्यादा बुलंद थी। आजादी के बाद से ही इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बनाई गई JVP कमेटी, धार कमेटी और फजल अली कमेटी की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट लिंगुअल बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइज करने को देश की एकता के लिए खतरा मानते हुए खारिज करती आ रही थी। लेकिन इस सब के बीच ही मद्रास स्टेट से अलग तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा स्टेट को बनाए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पोटी श्रीरामुलु की 15th of December 1952 को डेथ हो जाती है, जिसके बाद मामले को हाथ से निकलता देख सरकार ने आनंद फानन में 1st of October 1953 को पहले लिंगुअल स्टेट के रूप में आंध्रा स्टेट को बनाने का निर्णय ले लिया। वहीं इसी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 पास करके स्टेट बाउंड्रीज को मास स्केल पर डिफाइन करने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके चलते आने वाले सालों में एक के बाद एक नए राज्य बनते चले गए। लेकिन ये वो अकेला मुद्दा नहीं था जो भारत को अंदर से अस्थिर रखे हुए था, बल्कि आजादी के बाद से ही भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और खासतौर पर नागालैंड में विरोध की आग धधक रही थी, जो भारत से अलग अपने लिए एक स्वतंत्र देश की चाह रखते थे। और नागा नेशनल काउंसिल के बैनर तले 1946 से ही वहां जोर जोर से प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। लेकिन 1950 का दशक आते आते ये प्रोटेस्ट आर्म्ड रिबेलियन और इंसर्जेंसी में तब्दील हो गया, जिसमें NNC के लीडर एजी फिजो का एक बड़ा रोल था, जिसने अपनी ऑर्गेनाइज रिबेल आर्मी के साथ नॉर्थ ईस्ट में ऐसा खूनी खेल शुरू किया जिसे कंट्रोल में लाने के लिए स्पेशल मेजर्स अपनाने पड़े। और इसके लिए 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाना पड़ा। लेकिन आने वाले सालों में समस्या और भी बढ़नी थी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की अस्थिरता को देखते हुए यहां आर्टिकल 370 पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था, और इसी कड़ी में 17th of November 1956 को जम्मू और कश्मीर ने अपने लिए एक अलग संविधान को अडॉप्ट कर लिया, जो कि 26th of January 1957 में इंप्लीमेंट भी हो गया। वहीं इन सभी आंतरिक समस्याओं के बीच और पाकिस्तान के रूप में एक बुरे पड़ोसी से जूझ रहे भारत ने अपने दूसरे पड़ोसी चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखने के लिए 29th of April 1954 को पंचशील ट्रीटी साइन की, जिसका मकसद दोनों देशों के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए 5 प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना था। इस सब के बीच नए दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हुए 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश कर दिया गया। यही नहीं, 1954 में ही ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया गया, जिसने दुनिया के सामने अगस्त 4, 1956 में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा अनवील किया। ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।
वहीं डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को टेक्निकली साउंड रखने के लिए 1958 में DRDO या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। भारत में विज्ञान के इस दौर को शुरू करने में एक अहम रोल निभाया, जिसमें विक्रम साराभाई, होमी भाभा और कई अन्य साइंटिस्ट का नाम रहा, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए USA के MIT की तर्ज पर 1951 में ही IIT खड़गपुर को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, जबकि 1960 आते आते बॉम्बे, मद्रास और कानपुर में भी ऐसे ही वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भी देश में खोल दिए गए, जिनकी संख्या आने वाले दशकों में और भी बढ़ती चली गई। बदलते दौर के बीच इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट रखने के लिए 1 अप्रैल 1957 को सरकार ने सदियों से चले आ रहे आना और पाई वाले इंडियन करेंसी सिस्टम को बदलकर इंडियन करेंसी का डेसिमलाइजेशन कर दिया। ऐसे में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले ही दशक को देखकर ऐसा लगने लगा था कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़कर जो भारत के हवाई जहाज ने रफ्तार पकड़ी है वो जल्द ही दुनिया के आसमान में उड़ान भरेगा। लेकिन किसी को खबर भी नहीं थी कि इतना बड़ा खतरा दबे पांव भारत की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब 1960 का दशक शुरू हुआ तो सबको यही उम्मीद थी कि प्रोग्रेस के पथ पर सावधानी से आगे बढ़ता भारत जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 में कोलकाता और अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी एस्टैब्लिश कर दिया। साथ ही 1961 में ही कोल्ड वॉर के उस दौर में US या USSR किसी एक को चुनने के बजाय भारत ने विश्व को नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में एक नया रास्ता दिखाया, जिसके लिए भारत की ओर से पंडित नेहरू के साथ साथ योगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नसीर, घाना के क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकार्नो ने इसकी कमान संभाली। दूसरी ओर सभी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के फेल हो जाने के बाद फाइनली लोकल जनता की मांग पर 17 दिसंबर 1961 को भारत ने आर्म्ड फोर्सेस की मदद से ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा के साथ साथ दमन और दीव को भी लगभग 450 ईयर्स पुराने पोर्टुगल रूल से लिबरेट करके भारत में मिला लिया। ऐसे में धीरे धीरे भारत की गाड़ी पटरी पर रफ्तार पकड़ी रही थी। इसी बीच अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था। साथ ही भारत को हिंदी चीनी भाई भाई के प्रसिद्ध नारे के बीच चाइना की ओर से ऐसे बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट की उम्मीद भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि लगभग 2 महीने चली इस लड़ाई में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान के बाद भी चाइना डिसाइसिवली जीत गया। इस एक घटना ने भारत को ये सीख हमेशा के लिए दे दी कि उसके पड़ोसियों के बीच भारत को खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। दूसरी ओर भारत का विकास रथ आगे बढ़ता रहा और 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा में भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया, जिसे एक तरह से भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत भी माना जाता है। ऐसे में इस अचीवमेंट का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनके तत्कालीन सहयोगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री और उस समय के आधार स्तंभ पंडित नेहरू ने भी लंबी बीमारी के बाद अपनी आखिरी सांस ली और इस डिप्लोमेटिक गैप को भरने के लिए उनकी जगह प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी की गद्दी संभालते ही एक नया दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था। चाइना की भारत पर जीत से पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझकर हमला कर दिया। पाकिस्तान की कोशिश एक बार फिर धोखे से कश्मीर को हथियाने की थी, लेकिन शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे के बीच लगभग अप्रैल 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक चली इस लड़ाई में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच के इस युद्ध का अंत यूनाइटेड नेशंस के सीज फायर के आह्वान से हुआ। नतीजा ये हुआ कि 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ और 1965 की वॉर खत्म हो गई। इसी दौरान 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी ने भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी जगह गद्दी पर आई श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मगर इन दो अनकॉल्ड वॉर्स का नतीजा ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। 5-ईयर प्लान के इकोनॉमिक मॉडल पे आगे बढ़ता भारत 3rd प्लान के खत्म होते होते ही अपने इकोनॉमिक प्लान से भटकता दिखाई देने लगा था। ऐसे में टेम्परेरली 5-ईयर प्लान की जगह भारत को प्लान हॉलीडेज के रूप में एनुअल प्लान पे शिफ्ट होना पड़ा। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से नीचे जा रही थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट बढ़ता जा रहा था और फूड प्रोडक्शन के अभाव में खाने पीने की चीजों तक का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ एक नई क्रांति
भारत का इंतजार कर रही थी। असल में 1965 में इंडो पाक वॉर और वियतनाम यूएस वॉर में इंडिया के स्टैंड को देखते हुए यूएस ने अपने PL-480 एग्रीमेंट को रिन्यू करने में आनाकानी शुरू कर दी। ये सब यूएसए की भारत के खिलाफ अपनी शर्तें मनवाने और उसे अपनी कठपुतली बनाने के लिए अपनाई जा रही आर्म ट्विस्ट पॉलिसी का नतीजा था। इसके चलते भारत में फूड ग्रेन का संकट बढ़ने लगा। ऐसे में इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि भारत के लिए जल्द से जल्द फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हालांकि ये बात सही है, इस दिशा में सबसे पहले प्रयास शास्त्री जी के टेन्योर के दौरान शुरू हो गए थे, मगर तब तक यूएस के एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन बार्लक की एग्रीकल्चरल रिसर्च के चलते ऐसे उन्नत हाइब्रिड बीज और फर्टिलाइजर्स तैयार हो चुके थे जिनकी मदद से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता था। उनकी इसी रिसर्च को इंडियन एग्रोनॉमिस्ट MS स्वामीनाथन ने इंडियन कंडीशंस के अनुसार यूज करके भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, जिसके चलते फूड ग्रेन्स का मास इंपोर्टर रहा इंडिया आने वाले सालों में नेट एक्सपोर्टर बन गया और उसकी फूड अवेलेबिलिटी जो कि 1967 और 68 में 73.5 मिलियन टन्स थी वो 1989 तक बढ़कर 133.8 मिलियन टन्स जा पहुंची। लेकिन इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने की जरूरत थी, जिसमें भारत का बैंकिंग सिस्टम नाकाम सिद्ध हो रहा था। और ऐसे में 1969 में भारत के 14 बड़े बैंक्स को एक साथ नेशनलाइज कर दिया गया ताकि वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के नज़र से नहीं बल्कि ब्रॉडर विजन के साथ आगे बढ़ सकें। साथ ही 1969 से ही भारत ने अपने फोर्थ प्लान को भी इंप्लीमेंट कर दिया। मगर इसी बीच भारत में एक ऐसी चिंगारी लगी जिसने आने वाले सालों में भारत के नक्शे को ही लाल कर दिया। 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी में चाइनीज रिवॉल्यूशन से प्रेरणा लेते हुए चारू मजूमदार, कनु सान्याल और जंगल संथाल ने लैंडलेस लेबरर्स और फार्मर्स के हक के लिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग के साथ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया और यहां से शुरू हुआ ये मूवमेंट नक्सलिज्म के नाम से आने वाले दशकों में भारत के एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में इस तरह फैला कि इस पूरे एरिया को रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ 15th अगस्त 1969 को स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में भारत के एडवांसमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन कर दिया गया। इसरो ने एक तरह से 1962 में पंडित नेहरू द्वारा गठित इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को रिप्लेस किया था, जिसे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के संरक्षण में स्थापित किया गया था, इसलिए उन्हें ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फाउंडिंग फादर माना जाता है। दूसरी ओर इसी बीच ग्लोबल प्रेशर में आए बिना भारत ने 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1960 के दशक में एक और रिवॉल्यूशन आना बाकी था। दरअसल 13th जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड के रूप में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को अनवील किया गया, जिसने आगे जाकर न केवल 1998 में यूएसए को पछाड़ के भारत को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया बल्कि ये भारत के लिए लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनकर उभरा, जिसके लगभग 60% बेनिफिशियरीज मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबर्स थे। साथ ही इसी प्रोग्राम से देश के रूरल एरियाज के फार्मर्स और कैटल रियरर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट का मौका भी मिला। इस प्रोग्राम का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, जो न केवल अमूल के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर थे बल्कि NDDB के तत्कालीन चेयरमैन भी थे। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि 1960s का दशक भारत के लिए अपने आप में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, क्योंकि इसमें भारत ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। ऐसा ही उतार चढ़ाव कांग्रेस ने भी देखा, जो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद से ही बिखराव के लक्षण दिखाने लगी थी। और इसी समय में हमें भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय भी देखने को मिलने लग गया था। और 1960s का दशक खत्म होते होते ये रीजनल पार्टीज स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पर भारी पड़ने लगी थी। यही नहीं, 1969 में ही कांग्रेस पार्टी भी दो अलग अलग दलों में बट गई थी और लक्षणों से ये साफ था कि देश में कांग्रेस का एक छत्र राज खत्म होने की कगार पर था। लेकिन भारतीय राजनीति में एक नाटकीय मोड़ अभी आना बाकी। दोस्तों 1971 की शुरुआत भी एक वॉर से हुई, लेकिन इस बार इस कहानी में एक बड़ा बदलाव था। 1947 के डिवीजन ऑफ इंडिया के समय यूनाइटेड पंजाब के पास का वेस्टर्न इंडिया और यूनाइटेड बंगाल के पास का ईस्टर्न इंडिया दोनों ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में स्थापित किए गए थे। लेकिन तभी से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच
तानातानी का माहौल था। इसका कारण ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार था, जिसमें हमेशा वेस्ट पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर अगर आप इस डिवीजन को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये बात सही है कि ये दोनों रीजन मुस्लिम डोमिनेंट थे, और इसी वजह से पाकिस्तान की डिमांड करते समय इन दोनों को ही रिलीजन के बेसिस पर भारत से अलग करने की बात कही गई। लेकिन दोनों रीजन्स के कल्चर, लैंग्वेज और तौर तरीकों में काफ़ी अंतर था। यही कारण है कि आज़ादी के 25 साल पूरे होने के पहले ही ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह के स्वर इतने तेज हो गए कि पाकिस्तान का बंटवारा करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि मार्च 26, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का उदय हुआ, जबकि बांग्लादेश के इस वॉर ऑफ लिबरेशन में भारत का एक अहम रोल रहा। भारतीय सेना ने वो जौहर दिखाया कि 16th of December 1971 की वो तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई। पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. न्याजी ने इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया और ढाका में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस साइन किया गया। यही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अराइज हुए डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए 2nd of July 1972 को दोनों देशों के बीच शिमला समझौता भी साइन किया गया। वहीं 1972 में ही 107 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर नेशनलाइज और रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। साथ ही 1973 में कोल इंडस्ट्री को कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अंडर नेशनलाइज कर दिया गया। इसी 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी गांव में फेमस फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट चिपकू आंदोलन की शुरुआत हो गई। वहीं 1974 में बिहार में सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने मिसरूल एंड करप्शन के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जिसे पॉपुलरली जेपी आंदोलन कहा जाता है। साथ ही 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गरीबी हटाओ के नारे के साथ 5th 5-year plan लेकर आई। साथ ही गवर्नमेंट ने सोशलिज्म की राह पे आगे बढ़ते हुए बहुत सी पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच भारतीय राजनीति का वो काला अध्याय भी आया, जिसे आज भी याद करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर आक्षेप करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी के रेजीम के दौरान 25th of June 1975 को लगाई गई नेशनल इमरजेंसी की, जिसके लगते ही भारत में पूरी तरह तानाशाही का शासन रहा। इस दौरान इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन देकर न केवल लगभग समूचा विपक्ष जेल में डाल दिया गया, बल्कि इसी बीच सरकार अपने सत्ता बल का प्रयोग करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई, जिसने भारतीय संविधान में इतने बदलाव किए कि इस अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। या हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी कुल 3 words को भी ऐड किया गया था। साथ ही इस दौरान सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल्स का फायदा उठाकर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता रहा, सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी गई और न्यूमरस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए। बहुत लंबे वक्त तक इस इमरजेंसी की रात की सुबह दिखाई नहीं दी, लेकिन फाइनली 21st of March 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में इमरजेंसी का ये लगभग 21 महीने लंबा पीरियड सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पीरियड रहा है। इस कॉन्ट्रोवर्शियल पीरियड का नतीजा ये हुआ कि 1977 में हुए जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई, जिसने मोरारजी देसाई के रूप में देश को पहला नॉन कांग्रेस पीएम दिया। इस सरकार ने 44th Amendment Act लाकर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार के गलत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बदलने का काम किया। यही नहीं, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में भारत के सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मंडल कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसने 31st of December 1980 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इसी बीच लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कंसेंसस की वजह से जल्द ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जनवरी 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट आईं। हालांकि इस बीच 16th of May 1975 को सिक्किम भी फॉर्मली भारत का 22nd state बन गया। वहीं दूसरी ओर इसके पहले 18th ऑफ मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर लिया और इस कोवर्ट ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा और इसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया गया। लेकिन ये उस दशक की भारत की साइंस के फील्ड में अकेली सक्सेस नहीं थी।
क्योंकि इसके लगभग एक साल बाद ही 19th of April 1975 को भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सोवियत यूनियन की मदद से अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया। वहीं एक बार फिर नेशनलाइजेशन को इन्फोर्स करते हुए 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। ये दशक भारत के इंटरनल गवर्नेंस के लिहाज से बेहद उथल पुथल वाला था, जहां इसकी शुरुआत में पंजाब में खालिस्तान की मांग के चलते आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर ये दशक खत्म होते होते जम्मू और कश्मीर में भी दहशतगर्दी ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे, और इन दोनों में ही भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का सीधा हाथ था, जो दो बार भारत से सीधी लड़ाई में हारने के बाद अपनी K2 स्ट्रेटजी के तहत इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहता था। न केवल वो इन इंसर्जेंट्स को पैसा और आर्म सप्लाई कर रहा था, बल्कि पोरस बाउंड्रीज का फायदा उठाकर उसने अपने यहाँ इन इंसर्जेंट्स के लिए ट्रेनिंग और ग्राउंड सपोर्ट तक प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ओर पंजाब में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हत्या, किडनैपिंग और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स मास मर्डर्स, किडनैपिंग्स और रेप से बचने के लिए 1980s और अर्ली 1990s में ही घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में फैला माओइज्म भी इस दशक तक आते आते खूनी हो चुका था, जहां असम, त्रिपुरा और मणिपुर में ये तेजी से फैल रहा था। इन्हीं बिगड़ते हालातों को रोकने के उद्देश्य से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पंजाब में कुछ सख्त फैसले लेने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत उस दौरान खालिस्तान मूवमेंट का फेज बनते जा रहे जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अमृतसर के गोल्डन टेंपल से निकालने के लिए 1st of June 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार छेड़ दिया गया। लगभग 6 दिन चले इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं, और यहाँ छुपकर बैठे इंसर्जेंट्स के सफाई के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस के भी कुछ जवान शहीद हो गए। लेकिन अंततः भिंडरांवाले को मौत के घाट उतार दिया गया। इस एक घटना के बड़े दूरगामी परिणाम हुए, जिसके चलते एक और 31st of October 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। तो वहीं इसके आफ्टर इफेक्ट्स में मुख्य तौर से नॉर्थ इंडिया में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए, जिसमें हजारों लोगों की जाने गईं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन दंगों में केंद्र में सत्ता में बैठी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की भी बात सामने आई। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस घटना के बाद राजीव गांधी का वो कॉन्ट्रोवर्शियल बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स। लेकिन इन सब कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद भारी बहुमत के साथ भारत के अब तक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने गद्दी संभाली, और इसी के साथ भारत की गवर्नेंस पॉलिसी में बड़े बदलाव किए जाने लगे। उदाहरण के लिए इनएफिशिएंट और करप्ट लाइसेंस राज में ढिलाई दी जाने लगी, जबकि फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट्स में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस को कंसिडरेबली कम कर दिया गया, जिससे इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट ग्रोथ भी दिखने लगी थी। यही नहीं, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डेवलप करने में भी एक की रोल प्ले किया। इसी सिलसिले में 1984 में एक नई आईटी पॉलिसी भी अनवील की गई। यही नहीं, इसी साल अगस्त 1984 में CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को भी एस्टैब्लिश कर दिया गया, जिसका काम भारत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। ऐसे में राजीव गांधी को आर्किटेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया और फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया जैसे तमगों से भी नवाजा जाता रहा है। समय की नजाकत को समझते हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टैंड को USSR और सोशलिज्म के बजाय US और कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की ओर टिल्ट करने का श्रेय भी राजीव गांधी को दिया जाता है। दूसरी ओर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1987 में श्रीलंकन गवर्नमेंट के आग्रह पर वहां पर तमिल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के अंडर फैल रहे आर्म रिबेलियन को रोकने और पीस कीपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपनी फोर्स डिप्लॉय करने का फैसला ले लिया। हालांकि तमिलियन सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन जल्द ही इसके कुछ दुखद परिणाम सामने आने वाले थे। दोस्तों, राजीव गांधी का पॉलिटिकल टेन्योर भी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा रहा। उदाहरण के लिए 2nd और 3rd December 1984 के बीच भोपाल की US बेस्ड यूनियन कार्बिडे इंडियन लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में हुए गैस लीक और केमिकल डिजास्टर, जिसे पॉपुलरली भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, उसके मुख्य आरोपी वैरन एंडरसन को सेफ पैसेज प्रोवाइड करने का उन पर आरोप लगा।
या हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केमिकल डिजास्टर वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की लिस्ट में आता है और इसमें ऑफिशियल डेटा के अनुसार लगभग 4000 लोग और अनऑफिशियल टैली के हिसाब से 15,000 से 20,000 लोगों की जाने गई थी। दूसरी ओर 1985 के फेमस शाहबानो केस में भी राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों से उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने शुरू हो गए थे। यही नहीं, इसी के साथ राजीव गांधी पर 1986 के स्वेडिश बोफोर्स स्टॉप करप्शन में शामिल होने के भी आरोप लगे थे। हालांकि मरणोपरांत राजीव गांधी को इन सभी केसेस से बरी कर दिया गया, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी करप्शन और मिसमैनेजमेंट चार्जेस की वजह से ही राजीव गांधी 1989 का जनरल इलेक्शन हार गए और उनकी जगह कोएलिशन के साथ सत्ता में आए नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के वीपी सिंह। इसी सबके बीच 30th of May 1987 को गोवा को भी एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। यही नहीं, 1988 में सरकार द्वारा 61st अमेंडमेंट एक्ट लाकर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 इयर्स कर दिया गया। वहीं अप्रैल 1988 में सेबी द्वारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक नॉन स्टैचुरी बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश किया गया। हालांकि आगे जाकर 1992 में इसे स्टैचुरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। वहीं अगर हम साइंस एंड टेक की फील्ड की बात करें तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टेन्योर के दौरान 3rd of April 1984 को ही भारत सोवियत यूनियन की मदद से राकेश शर्मा के रूप में अपने पहले सिटीजन को स्पेस में भेज चुका था। 22nd of May 1989 में भारत की ओर से चांदीपुर में अग्नि फर्स्ट मिसाइल का भी पहला टेस्ट कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम 1980 के दशक की नेशनल पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इसमें मंडल इशू का भी काफी बोलबाला रहा। ऐसा इसलिए भी था कि बैकवर्ड क्लास की ये मांग थी कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, जिसके चलते फाइनली 7th of August 1990 को वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करते हुए अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद देश भर में एंटी मंडल प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। यही नहीं, सरकार के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस भी फाइल किए गए, जिनमें 1992 का सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहूने जजमेंट सबसे प्रमुख था। वहीं दूसरी ओर वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 62nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1989 में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट भी पास कर दिया, जो भारत में सोशल इक्वेलिटी के नजरिए से एक माइलस्टोन था। लेकिन 1989 में कश्मीर घाटी में बढ़ते एंटी हिंदू सेंटिमेंट और कश्मीरी हिंदूज के इनफेमस जेनोसाइड के बीच वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा 1990 में बीजेपी की रामरथ यात्रा का विरोध किए जाने से बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और ये सरकार भी गिर गई, जिसकी जगह सत्ता में आए चंद्रशेखर, जो अपनी गवर्नेंस से ज्यादा 1990 और 91 की इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के मिसमैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे। ऐसे में आने वाले कुछ समय में ही एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भारत का इंतजार कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली इस दशक की शुरुआत भी एक ट्रेजेडी के साथ हुई। राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में LTTE से लोहा लेने के लिए फोर्स डिप्लॉय करने के फैसले के जवाब में LTTE के इशारे पर 21st of May 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुमुडूर में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान राजीव गांधी को एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू असैसिनेट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर भारत का आर्थिक संकट अभी तक टला नहीं था। उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल डेफिसिट दोनों ही चीख चीख कर उसकी खस्ता माली हालत की गवाहियां दे रहा था। जहां 1980 और 81 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 9% था, वहीं 1990 और 91 में ये बढ़कर जीडीपी का 12.7% हो गया। जून 1991 आते आते भारत के पास केवल 3 वीक्स के इम्पोर्ट्स को सपोर्ट करने लायक फॉरेक्स अवेलेबल था। असल में प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनएफिशिएंट पीएसयूज को बढ़ावा देने की नीति और लगातार इंडियन मार्केट को ग्लोबल कंपटीशन से बचाए रखने की जिद में भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में राजीव गांधी की हत्या के बाद न्यूली इलेक्टेड पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के पास IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से मदद मांगने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। लेकिन IMF की मदद हमेशा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की शर्तों के साथ आती है। ऐसे में भारत को कुछ बड़े और कठिन फैसले लेने की जरूरत थी और भारत की ओर से वो फैसला पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लिया, जिसने भारत की इनवार्ड लुकिंग लाइसेंस राज और कंजर्वेशनिस्ट अप्रोच को बदलकर इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज
प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करने का फैसला ले लिया और 24th of July 1991 को इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। वहीं अप्रैल और मई 1992 के दौरान भारत ने अपनी तरह का पहला स्कैम देखा, जब स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता का नाम सिक्योरिटी से रिलेटेड करोड़ों रुपयों के स्कैम में सामने आया, जिसे रोकने के लिए न्यूली लॉन्च सेबी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी बीच 6th of December 1992 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके एफिलिएट्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा एक्टिविस्ट शामिल हुए। ये रैली अयोध्या के राम जन्मभूमि के पास हो रही थी, लेकिन उसी दिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये रैली उग्र हो गई और इसमें शामिल हुई लाखों की भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए, जिनमें हजारों लोगों की जानें चली गईं। इस विवादास्पद घटना के बाद गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और साथ ही एलके आडवाणी समेत अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एकाएक हुई घटना नहीं बल्कि सोची समझी प्री प्लांट कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन 30th of September 2020 को आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले में इन सभी लीडर्स को दोषी ना मानते हुए इन्हें बरी कर दिया गया। बहरहाल इस घटना के कुछ समय बाद ही एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने पहली बार भारत के सामने एक नया इंटरनल सिक्योरिटी इशू खड़ा कर दिया था, जो था March 12th, 1993 को देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई में हुए बॉम्ब धमाके, जिसमें सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम जैसे माफिया डॉन्स का हाथ था। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर देश ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली, जब ऑपरेशन शक्ति कोड नेम के साथ मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए और इसी के बाद भारत एक फुल फ्लेश्ड न्यूक्लियर स्टेट बन गया। लेकिन इसके ठीक बाद अगस्त 1999 में गवर्नमेंट ने भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अनवील की। साथ ही इस न्यूक्लियर टेस्ट से कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए बीजेपी सरकार की ओर से एक बार फिर पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश हुई, जिसके अंतर्गत फरवरी 19, 1999 को वाजपेयी जी खुद दिल्ली लाहौर बस सर्विस के इनॉग्रल रन में लाहौर गए। लेकिन इसका जवाब एक बार फिर धोखेबाज पाकिस्तान ने मई 1999 में अपने ही अंदाज में कारगिल वॉर के रूप में दे दिया और एक बार फिर उसे ऑपरेशन विजय द्वारा भारतीय सेना द्वारा मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। और नतीजा इस बार भी हुआ जो पिछले 3 वॉर में हुआ, 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा भारत के 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को बाई रोड आपस में जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई। अगर हम गौर से देखें तो 21st सेंचुरी का भारत 20th सेंचुरी के भारत से बिल्कुल अलग नजर आता है, फिर चाहे वो इकोनॉमी की बात हो या फॉरेन रिलेशंस की, गवर्नेंस की बात हो या एजुकेशन की। हर बीते साल भारत लगातार प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इस बीच 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट और 2014 से लेकर अब तक बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में है और इन टेन्योर्स में हमें एक नया भारत देखने को मिला। हालांकि ये बात सही है कि इस बीच मनमोहन सिंह लेड यूपीए गवर्नमेंट पर करप्शन और पपेट गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट पर राइटिस्ट सैफरन पॉलिटिक्स करने के आरोप लगते रहे, लेकिन अगर हम इन दो डिकेड्स को इम्पार्शियल होकर देखें तो हम पाएंगे कि इन बीते 20 सालों में भारत ने बहुत से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जिसकी वजह से भारत ने न केवल 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखा बल्कि 2019 में भी कोविड पैंडमिक के दौरान दुनिया भर के सामने एक एग्जेम्पलरी रोल प्ले किया। तो चलिए अब हम 21st सेंचुरी के इस भारत के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 12th ऑफ अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन्फोर्स किया गया, जिसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एसोसिएटेड बॉडीज की इंडियन सिटीजंस के प्रति जवाबदेही तय कर दी। 2nd ऑफ फरवरी 2006 को एमजी नरेगा एक्ट या मनरेगा एक्ट 2005 इन्फोर्स कर दिया गया, जिसके जरिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाने लगा, जो अपने आप में सारी दुनिया के लिए एक अच्छा स्टेप था। 2006 में ही नाथुला को भी रीओपन करने का फैसला ले लिया गया, जो कि सिक्किम और तिब्बत के बीच एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पास था, जिसे 1962 वॉर के बाद बंद कर दिया गया था
अक्टूबर 2008 में भारत ने सक्सेसफुली चंद्रयान 1 लॉन्च कर दिया, जिसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लूनर सॉइल पर वाटर मॉलिक्यूल की डिस्कवरी थी। 26 जुलाई 2009 को इंडिया ने INS अरिहंत के रूप में देश की फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दी। जनवरी 2009 में UPI गवर्नमेंट के अंडर भारत सरकार ने आधार के रूप में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक ID सिस्टम लॉन्च कर दिया। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इनैक्ट कर दिया गया, जिसने 6 से 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन को उनका फंडामेंटल राइट बना दिया। साथ ही इसके जरिए पुअरर सेक्शन के लिए स्कूल्स में 25% सीट्स रिजर्व कर दी गई, जिसने भारत में सोशल डिवाइड को कम करने और एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने के सिलसिले में एक नया माइलस्टोन सेट किया। वहीं 2011 में देश ने करप्शन और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने को लेकर अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक नया नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखा, जिसके दबाव में 2013 में गवर्नमेंट को जन लोकपाल बिल लाना। इसी बीच 1 जुलाई 2013 को भारत ने अपने रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नेविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन की पहली सैटेलाइट लॉन्च की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिस्टम फाइनली 2018 में जाकर कंप्लीट हुआ। 5 जुलाई 2013 को UPA गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट करके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के फील्ड की अप्रोच में एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, जहां देश की लगभग 2/3 पॉपुलेशन के लिए वेलफेयर के बजाय राइट बेस्ड फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाने लगी। 5 नवंबर 2013 को भारत ने एक अविश्वसनीय उपलब्धि पाली, जब इसरो ने मार्स ऑर्बिटर को लॉन्च कर दिया, जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मार्स पे जा पहुंचा। वहीं मार्च 2014 को भारत ने दशकों से चली आ रही पोलियो के खिलाफ जंग भी जीत ली, जब WHO ने भारत को पोलियो फ्री रीजन मान लिया। जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना की स्टेटहुड की लॉन्ग लास्टिंग डिमांड भी इंप्लीमेंट कर दी गई, और इस तरह भारत को अपना 29th स्टेट मिल गया। 15 अगस्त 2014 को भारत के PM नरेंद्र मोदी ने जनधन स्कीम लॉन्च की, जिसने आने वाले समय में भारत में बैंकिंग और पेमेंट स्फीयर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग को एस्टैब्लिश कर दिया गया। इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि बदलती परिस्थितियों के बीच प्लानिंग कमीशन के टॉप टू बॉटम अप्रोच को डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और डाउन टू अप अप्रोच से रिप्लेस किया जाए। अप्रैल 2016 में भारत ने UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की, जिसने आने वाले समय में न केवल भारत के पेमेंट सिस्टम को बदल कर रख दिया, बल्कि सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। नवंबर 2016 में ब्लैक मनी और काउंटरफेट करेंसी पर लगाम लगाने के लिए NDA गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट्स को डीमोनेटाइज करने का फैसला लिया। वहीं इसी कड़ी में 1 जुलाई 2017 को NDA गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट के मल्टीपल मेजर टैक्सेस को सब्स्यूम करके GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाने का निर्णय लिया। 22 जून 2017 को मुस्लिम वेमेन की ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को क्वैश करने की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। सितंबर 2018 में 21st सेंचुरी के लिबरल इंडिया की मिसाल कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को क्वैश करके होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने का निर्णय ले लिया। फरवरी 2019 में इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडियन एयरफोर्स द्वारा फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस प्रोवाइड कर दी गई। 27 मार्च 2019 को भारत ने सक्सेसफुली मिशन शक्ति कंडक्ट किया, जिसके जरिए इंडिया ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिशन की कैपेबिलिटीज दुनिया के सामने रखी। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। हालांकि ये यान मून पर सेफली लैंड करने में नाकाम रहा, लेकिन सारी दुनिया ने भारत के इस एफर्ट को सराहा। अगस्त 2019 में NDA गवर्नमेंट ने फाइनली आर्टिकल 370 को सस्पेंड करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट को भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में बाइफर्केट करके यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद एक दौर वो आया जब कोविड ने मानो सारी दुनिया के पहिए जकड़ के रख दिए, लेकिन ऐसी संकट की घड़ी में भी भारत ने सारी दुनिया के लिए संकट मोचक बनकर फार्मा और फूड ग्रेन अवेलेबल कराने में एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही इन बदलती परिस्थितियों के बीच विश्व में भारत के बढ़ते हुए रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी भारत नॉन अलाइंड होके भी दुनिया के हर पावर सेंटर में इक्वली डोमिनेंट है। फिर चाहे वो US हो, EU हो या फिर रशिया, कोई भी भारत से टकराने के बजाय उसे अपना साथी बनाए रखना चाहता है।
दोस्तों, अपने इस लंबे और लाजवाब सफर में भारत ने एक देश के तौर पर कई उतार चढ़ाव जरूर देखे, लेकिन 200 साल तक गुलामी में रहे भारत ने जिस तरह इतने कम समय में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी विशेष जगह बनाई है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 75 सालों के सफर के बाद ना सिर्फ आज भारत G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, बल्कि अपनी पॉलिसीज, अपने एक्शंस और अपने स्टैंड से पूरी दुनिया के लिए एक अपकमिंग सॉफ्ट सुपर पावर नेशन की मिसाल भी बन रहा है। यानी फॉर 21st सेंचुरी वर्ल्ड, भारत इज नॉट जस्ट अ नेशन, बट इट्स अ नेशन दैट मैटर्स, एंड नॉट जस्ट मैटर्स, इट मैटर्स द मोस्ट। और भारत की ऐसी परिकल्पना को आगे भी बरकरार रखने के लिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जरूरी है इस देश की यूथ, इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान, और हर वो इंसान जो ये कहता है कि वो भारत से प्यार करता है, वो बेतहाशा मेहनत करे, और जो भी वो काम करे उसमें भारतीयता झलके, जो भी वो काम करे वो उस थॉट प्रोसेस के साथ करे कि उसके द्वारा की गई मेहनत सिर्फ उसके परिवार या उसके खुद की ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के लिए है जिसने अपने नागरिकों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। और इसी सोच के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।